को लेकर लगातार खबरें हैं कि सेलिब्रिटीज अपने घर पर तो कैद है, लेकिन सेलिब्रिटीज की जिंदगी कहीं ना कहीं जो फिल्मों से लगातार जुड़ी रहती है, फिल्मों की शूटिंग कैंसिल हो जाना, रिलीज डेट पोस्टपोन्ड हो जाना, शूटिंग रद्द हो जाना, प्रोजेक्ट्स कैंसिलेशन के साथ साथ लगातार COVID-19 को लेकर फैसले बिल्कुल विपरीत आना, कहीं ना कहीं लगातार ना सिर्फ दर्शकों के लिए एक बहुत निराशाजनक फिलहाल ऐलान है, बल्कि सेलिब्रिटीज के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। हम यहां पर आप सभी के बीच लेकर आए हैं सुपरस्टार सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर, जिसके बारे में जानकर आप सभी जरूर चौंक जाएंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, सलमान एक बहुत ही अजीब किस्म की, बहुत ही ज़्यादा एक अलग तरीके की, बहुत बहुत दर्द भरी बीमारी से जूझ रहे हैं। बीते कई सालों से इस बीमारी को लाइलाज बीमारी कहा जाता है, जिसकी वजह से बहुत सलमान खान को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सभी जानते हैं कि सलमान खान की जो बीमारी है वो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है, जिसके कारण उनके जॉ लाइंस में परेशानी बढ़ती है और वो कभी भी खाने के वक्त खास ध्यान रखते हैं, बॉइल्ड एग खाने में उन्हें ज़्यादा परेशानी होगी। और इसके बावजूद सलमान अपनी फिल्मों की जब शूटिंग करते हैं तो अपनी बीमारियों को भूलकर, दर्द को भूलकर वो लगातार दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे में सलमान जो COVID-19 के खौफ से भी बिना डरे फिल्म की शूटिंग पर लगातार बिजी नजर आए। राधे योर मोस्ट वांटेड भाई फिल्म की हम बात कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग लगातार सलमान ने जारी रखी है और इसके बावजूद आफत मंडरा रहा है उनके इस फिल्म पर और खान परिवार पर। इस फिल्म में पैसे सोहेल खान के भी करोड़ों लगे हैं। सलमान के भी अपनी होम प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली ये फिल्म है, जिसके कारण फिल्म बहुत खास है। लेकिन अब खबर आ रही है कि ये फिल्म सलमान की करियर की सबसे छोटी फिल्म होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म के आसपास बहुत सारी परेशानियां हैं। COVID-19 के कारण फिल्म की शूटिंग को लेकर रोक, वहीं इस फिल्म के साथ अक्षय की बड़ी फिल्म का टकराना, ये सारी मुसीबतों के कारण सलमान है चिंतित। बीमारी के बावजूद सलमान खान जो करते हैं मेहनत, उनके लिए चिंता कम नहीं हो रहा। आइए हमारे स्पेशल प्रोग्राम में जानते हैं अब सलमान खान की प्रिपरेशन कैसी। इन दिनों बॉलीवुड टाउन के सुपरस्टार सलमान खान से जुड़ी तमाम खबरें ऐसी आ रही हैं जिसके बारे में सुनकर फैंस बहुत दुखी हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, सलमान खान ऑलरेडी जब बीमार रहे हैं तो उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में हमेशा लोगों से बातें छुपाई हैं। ठंड के मौसम में अक्सर सलमान खान के गले में जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बात की जाए तो उसका ये कारण है कि वो फेसियल नर्व डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। पेनफुल से फेसियल नर्व डिसऑर्डर के कारण सलमान खान को मीडिया इंट्रैक्शन के दौरान बहुत तकलीफ होती है, जिसे कहा जाता है ट्रीजेमिनल न्यूरोलॉजी। इस बीमारी का नाम ट्रीजेमिनल न्यूरोलॉजिया है। इस बीमारी के कारण आवाज बहुत ज्यादा तकलीफ दे आती है। तो सलमान को बीते साल शो बिग बॉस सीजन 13 के बतौर होस्ट जब उन्हें देखा जा रहा था होस्ट करते हुए, तब भी वो काफी ज्यादा तकलीफ में थे, उनकी आवाज बैठी भी थी। और इस बीमारी से ट्रीटमेंट लेने के बाद सलमान खान को फिर देखा गया अपनी आने वाली फिल्मों की शूट को शुरू करते हुए। यानी कि बीमारी के बावजूद सलमान राधे योर मोस्ट वांटेड भाई फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, ताकि फिल्म के स्केड्यूल के मुताबिक इस फिल्म को किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। और वही फिल्म की शूटिंग लगातार सलमान खान ने कोरोना वायरस आउटब्रेक के बावजूद जारी रखा है। पूरे सेट को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की परेशानी वहां पे क्रू मेंबर्स को, कास्ट एंड क्रू मेंबर्स को ना हो। ऐसे में सलमान खान की फिल्म उनके लिए कितनी मायने रखती है आप समझ सकते हैं। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि कोरोना वायरस से तमाम तरह की तबाही हो रही है पूरी दुनिया भर में, और इन सब के बीच सलमान खान की ये फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई उनकी करियर की सबसे छोटी फिल्म होगी, यानी कि सबसे ज्यादा शॉर्ट फिल्म होगी। टाइम के अकॉर्डिंग यहां बात की जाए तो इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है और जिम्मेदारियां प्रभु देवा पर सौंपी गई है, ताकि जल्द से जल्द फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की जाए, क्योंकि फिल्म बंद हो गई तो समस्या और भी ज्यादा खड़ी हो जाएगी। ऐसे में बात अगर की जाए सलमान खान की फिल्म के बारे में तो कोरोना वायरस की समस्या के पैदा होने के बाद फिल्म को बहुत पहले तैयार किया जा रहा है ताकि और भी ज्यादा परेशानी ना हो। तो फिल्म 2 घंटे 10 मिनट से भी कम समय की होगी और इसके कारण सलमान खान थोड़े निराश भी नजर आ रहे हैं।
वहीं इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि अक्षय की फिल्म से टकराने के बाद इस फिल्म की कमाई को बरकरार रखना, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में बड़े करोड़ों की तादाद पर फिल्म को टक्कर देना भी मुश्किल होगा। वेल दर्शकों, आपने देखा हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी के बीच हमने बात की है सलमान खान के बारे में, उनसे जुड़ी आई खबरें हमने आपको दी है। क्या कहना है सभी खबरों का और किस तरह के फैसले सामने आए हैं ये हमने आपको बताया। अब वक्त हो गया है आपसे यही इजाजत लेने का, फिर लौटेंगे तमाम खबरें आपके बीच लेकर। देखते रहे आप तब तक के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।